नेताओं ने G20 के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, तुर्की समेत सम्मेलन में शामिल हुए नेताओं ने शानदार मेजबानी के लिए की भारत की तारीफ। सऊदी अरब के साथ कूटनीतिक रिश्तों में भारत का एक और कदम। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में सऊदी अरब प्रिंस क्राउन से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन में प्रिंस का स्वागत। आज से दो दिनों तक मिशन मध्य प्रदेश पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में होंगे शामिल। सिवनी, बालाघाट, बड़वानी और राजगढ़ में करेंगे रोड शो। जो 70 साल में नहीं हो पाया था वो 5 साल में मोदी सरकार ने किया। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर आंध्र प्रदेश में घमासान। टीडीपी का प्रदेश भर में बंद का ऐलान। भ्रष्टाचार के मामले में हुई गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। राजधानी लखनऊ में हालात सबसे ज्यादा खराब। सड़कों और घरों में घुसा पानी। बिना काम लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील। मोरक्को में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या पहुंची 2000 के पार। ऐतिहासिक शहर मराकेश समेत कई इलाकों में मची तबाही। कई लाख लोग प्रभावित। पाकिस्तान के पेशावर में IED ब्लास्ट। सुरक्षा बल की गाड़ी को बनाया गया निशाना। धमाके में कई लोग घायल। कोलंबो में भारी बारिश की वजह से बीच में रुका गया एशिया कप का भारत पाकिस्तान मैच। आज दोपहर 3 बजे खेला जाएगा बाकी का खेल। अभी 2 विकेट खोकर 147 रन बना चुकी है भारतीय टीम। News 18 India लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए News 18 India पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। News 18 India नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। News 18 India देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानिका ठाकुर। शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, बम्बिहा गैंग से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये मिल रही है कि गैंग के इंटरनेशनल नेटवर्क को लेकर ये बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरह बम्बिहा गैंग ने भी अपना नेटवर्क इंटरनेशनल लेवल पर फैला लिया है। दूसरे गैंगस्टर के साथ बम्बिहा गैंग